हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाटा जी टेक्निकल में। आज हम आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखने वाले हैं। आज मैं आपको पुराना पानी का कनेक्शन है वो किस प्रकार से सही करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं जीआई पाइप है, ये ख़त्म हो चुका है, जंग लग चुका है और ये लीकेज हो चुका है। तो ये 20 से 30 वर्ष इसको हो चुके हैं, ये अंदर के सारी पाइप सही है। तो इस पाइप को हम वो पूरा कनेक्शन तक वो सही करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। यह आप देख सकते हैं हम थोड़ी सी खुदाई कर रहे हैं, तो ये फट चुका है पाइप और पानी इसमें से निकलना शुरू हो चुका है। तो ये जवाब दे चुका है पाइप, अब इसको चेंज ही करना पड़ेगा। ये जी आई है, इसमें जंग लग चुका है। तो आप देख सकते हैं इधर ये वो पाइप आ रहा है, तो हमने यहाँ पर वो गड्ढा कर लिया है। ये निकाल रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, जय बाहुबली भाई। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे, क्योंकि सीवरेज का काम भी है वो हो चुका है इस गली में। तो बहुत पुरानी पाइपलाइन है ये पाइपलाइन, ये आप देख रहे हैं पीवीसी मीठे पानी की है। तो ये सारा पाइप है वो ख़राब हो चुका है, जंग लग चुका है इसको। अब नया है वो, इसको लाइन पर से है वो ढूंढ कर है वो सही करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। आप देख सकते हैं हमने लाइन है वो निकाल ली है, ये लाइन 5 फीट गहरी निकली है और ये सीवरेज की है, ऊपर इसके जस्ट ऊपर सीवरेज की है। ये आप देख सकते हैं जवाब दे चुका है, जब सीवरेज डाली थी तो ये शायद टूट गया था। ये आप देख सकते हैं कॉकरोच गड्ढे में। भाई हम प्लम्बर हैं, हमें इस प्रकार से रिस्क लेना पड़ता है। ये जो आपको होल दिख रहा है सीवरेज का पाइप का जॉइंट, इसमें से ये आ रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े हैं। डर तो लगता है लेकिन क्या करें, डर के आगे जीत है। ये आप देख सकते हैं ये कलाम है वो गल चुकी है, जंग लग चुका है। ये पाइप सीवरेज वालों ने ही डाला है थोड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि ये साइड टूट चुका था जब सीवरेज है वो लाइन गिर रही थी तब। तो इसको वो कलाम को निकाल देंगे कटिंग करके, तो ये सारी है वो ख़त्म हो चुकी है, जंग लग चुका है। ये कभी भी यहाँ से भी है वो टूट सकती है, तो इसको पूरा चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। ये फ्राइबल है, ये पित्तल का है, तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके भी है वो खार जम चुका है, नमक जम चुका है, क्योंकि खारा पानी है हमारे एरिया में। तो आप देख सकते हैं ये कलाम भी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसको भी निकाल देंगे। तो इसको किस प्रकार से निकालना है आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहना, आपको पता चलेगा। तो इसको करेंगे क्या, जो ये आपको जॉइंट दिख रहा है नट, यहाँ से हो एग्जा ब्लेड से हो काट देंगे, तो आरी से काट देंगे, तो ये कलाम वो अलग हो जाएगी लाइन पर से। तो ये हम वो नया फ्राइवल ले आए हैं मार्केट से, या आप देख सकते हैं फ्राइवल सॉकेट बैंड और यूनियन लेकर आए हैं, तो नया है वो करेंगे पूरा लाइन पर से चेंज करेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब टूट जाए। तो 4 इंच की हमारी पाइपलाइन थी वो सीमेंटेड, ये चप्पल है, इसे वाशर बनाएंगे। तो सारा सामान है वो मार्केट से ले आए हैं, अब इस कनेक्शन को सही करते हैं। तो ये देखिए हमने पुराने वाले को शेडल को अलग कर दिया है, ये जंग थोड़ा चिपक चुका है वो उतार लेंगे। सीमेंटेड लाइन है ये 4 इंच की, तो पुराने वाले को हटा दिया है, जो होल था वही रखा है, उसमें सरिया डाल रखा है। इसी होल में हम वो कलाम टाइट करने वाले हैं, अलग होल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा सामान चेंज हो जाएगा कनेक्शन का, जो पुराना वाला था जो जिसमें जंग लग चुका था वो निकाल चुके हैं। इस प्रकार साइड में कलाम है वो लगा लेंगे, फिर होल पर ले जाएंगे खिसका कर, तो इस प्रकार से वही छेद काम में आ जाएगा। ये हमारा तैयार है फ्राइबल सॉकेट बैंड और यूनियन, ये 1/2 इंच का गुटका है और HDPE पाइप पर चूड़ी निकाल ली है, इस पर ये यूनियन का एक हिस्सा टाइट कर दिया है। 2 कनेक्शन करेंगे, इसलिए ये 2 सिस्टम है हमारे पास। तो HDPE पाइप है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने वो सारे वो क्लैंप वगैरह निकाल दिए, तो वहाँ पर हम वो नई कलाम पर वो टाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और होल वही रखा है। और ये देखिए पानी का प्रेशर भाई, इस पर इस फ्राइवल को टाइट कर देंगे, ये देखिए। और इस प्रकार से ये कनेक्शन है वो एकदम नया हो चुका है, पुराना सामान निकल चुका है वो ख़राब हो चुका था, तो ये हमने वो एक तरीके से नया कर दिया। ये देख सकते हैं ये पुराने वाले की क्या हालत हो गई है भाई, ये एकदम से जंग से ख़राब हो चुका है। तो नई लगाई है हमने सेडल फ्राइवल सॉकेट बैंड यूनियन, और इस बार HDPE पाइप डाला है, पहले लोहे का पाइप था, और ये तो सीवरेज वालों ने जॉइंट डाला था, इसलिए ये हरा वाला दिख रहा है आपको। ये देखिए कलाम की क्या हालत हो चुकी है, तो भाई ज़मीन में यही हालत होती है, आपको बाद में चेंज करवानी पड़ती है, क्योंकि इस कनेक्शन को 20 से 30 वर्ष हो चुके हैं। ये थैली निकाल दी है हमने फ्राइबल से और पानी है वो अंदर आना शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ
अंदर है वो हमारा पानी आया है कि नहीं। ये देखिए भाई कुंड है वो भरनी शुरू हो चुकी है। आप वो ये देखिए पाइप में पानी आ चुका है, तो हमने पूरा पाइप चेंज कर दिया है, लोहे वाला निकाल दिया है। तो अंदर की जो ये फिटिंग है वो तो ख़राब नहीं हुई है, लेकिन वो बाहर वाला गली वाला पाइप है वो ख़राब हो चुका था। तो यहाँ से हमने खोला था और ये निपल भी चेंज कर दिया है जो दीवार के अंदर थी, क्योंकि ये भी वो जंग से ख़राब हो चुकी थी। और बाहर यूनियन दिया है, यूनियन आपको ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि कभी खोल कर वो कोई भी काम हम वो कर सकते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये मीठे पानी वाला भी हमने पाइप डाल रखा है, इसको भी करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन है, अभी मैं आपको नीचे वाला दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमने पूरा चेंज किया है। ये देखिए पूरा हमने वो नया कर दिया यहाँ पर, और अब हम वो इस मीठे पानी की जो पाइपलाइन है इसमें कर रहे हैं। ये देखिए इस पर हमने क्लैंप वो टाइट कर दिए, ये और ये लाइन भी 110 mm की है 4 इंच की, इस पर भी चप्पल का वाशर लगाया है नीचे और इसको वो टाइट कर दिया है। इससे लीकेज बिल्कुल नहीं आएगा, इस लाइन में वो पानी तो बहुत कम आता है। और ये नीचे वाला है एक रेगुलर सप्लाई का नीचे किया है, ये मीठे पानी का है। तो ये भी भाई लगते हाथ कर देते हैं, बाद में कौन है वो गड्ढा करेगा। तो कनेक्शन हमने कर दिया है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और ये साइड वाला नल है वो ये मीठे पानी का है लाल वाला। तो आप सब्सक्राइब करें टाटा जी टेक्निकल, कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछें।